वो कह रहे थे कि सनी देओल जी अभी जो है बॉम्बे में है, हिमाचल से बंदा पंजाब में नहीं आ सकता, वो बॉम्बे से कैसे आएंगे? फिर इलेक्शन क्यों लड़ा था उन्होंने यहाँ पे? वो बस एक नेम फेम लेके जो है वो चले गए हैं, लोगों को झूठा विश्वास दिलवाया कि मैं भी एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे तो नहीं लगता वो पंजाबी फैमिली से, अगर उन्होंने बात किया बिलोंग करते हैं, जब से एमपी बने हमें तो एक बात भी नहीं दिखे। ग्राउंड लेवल पे खुद कोई है नहीं है, उनके जो वर्कर्स हैं वो नाजायज लोगों को तंग कर रहे हैं, स्पेशली हमें भी तंग किया गया है सनी देओल जी का नाम लेके। सनी देओल जी की ये बात कही थी उन्होंने कि हिमाचल से बंदा जो है वो पंजाब में नहीं आ सकता, तो वो बॉम्बे से यहाँ कैसे आएंगे? तो जब इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, तब उनको ये चीज देखनी चाहिए थी। इन्होंने क्या किया एक साल में, मुझे तो वो भी नहीं पता। अपना गुरदासपुर मेंबर पार्लियामेंट है, तो उनको सबसे बड़ी चीज यही है कि अपने खुद एक बार विजिट करते, वो क्यों नहीं आ सकते? वो आ सकते हैं, उनके पास सब कुछ है। अगर अगर हम बात करते हैं फ्लाइट्स वगैरह की, वो नहीं चल रही है, बाय कार भी वो यहाँ पे आ सकते हैं, अगर उनको पर्सनली इस चीज़ की पेन होती। कोई उनसे ये चीज़ पूछे, अगर यहाँ पे आपने इलेक्शन लड़ा है तो आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, अपने ग्राउंड लेवल पे काम देखना पड़ेंगे। राशन की बातें ये करते हैं, मेरी पंचायत में जो राशन बंटा है, अगर ये कहते हैं विधायक जी ने 50 लाख का राशन बांटा है, 50 लाख में से पूछिए वो राशन किन किन को बांटा है। हाड़ा गांव की बात करूँ तो स्पेशली उन्होंने बीजेपी फैमिलीज को ही दिया जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं।